नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में कब्जों में पेशाब, लेट्रिन या वीर्य निकलना कैसा होता है, या सपने में खुद का नियंत्रण खो जाना कैसा होता है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कब्जों में पेशाब या लेट्रिन करना अच्छा लगता है। कई बार मजबूरी में हमारे कब्जों में लेट्रिन निकल जाता है तो हमें अपने आप से घिन होने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये सपनों की दुनिया है, इसमें आपको किसी प्रकार का सपना दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में सपने ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम भविष्य में होने वाली घटना को जान सकते हैं। बात करते हैं सपने में कब्जों में लेटरिन करना कैसा होता है। सपने में खुद को कब्जों में लेटरिन करते देखना एक अशुभ संकेत माना जाता है, जिसके चलते हुए आपके हाथों से कोई ऐसा काम हो सकता है जिसका असर सीधा आपकी इज्जत पर पड़ेगा। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा बॉल खड़ा हो जाए जिसके कारण आपका सार्वजनिक अपमान हो जाए। आपकी कोई गलती नहीं होगी, फिर भी आपको लोगों के सामने लज्जित होना पड़ सकता है। इस सपने के बाद आप खुद का ध्यान रखें, किसी की बनावटी बातों में ना आए। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आपको मान सम्मान दे रहा है तो समझ जाए कि वो अपना मतलब साधने के लिए आपसे स्वार्थपूर्ण भाव से मीठा बोल रहा है। अब बात करते हैं सपने में पैर पर लेटरिन लगना कैसा होता है। सपने में लेटरिन लगना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आप नकारात्मक प्रभाव के कारण गलत नीति में पड़ने वाले हैं। आप सपने में खुद को किसी यात्रा पर जाते हुए देखते हैं, तभी आप देखते हैं कि गलती से आपका पैर लेटरिन पर रखा जाता है, तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपके हाथों से कोई ऐसा पाप हो सकता है जिससे लोग तो दूर की बात, आपके घर वाले भी आपसे नफरत करने लग जाएंगे। इस सपने के बाद आपको एक बार खुद के कार्यों पर विचार करना होगा। आप वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है। अगर आपको जरा भी शंका होती है तो तुरंत अपने काम की समीक्षा करें। अब बात करते हैं सपने में कब्जों में पेशाब निकलना कैसा होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सपने में खुद को पेशाब करते हुए देखते हैं। जब हमारी आंख खुलती है तो वास्तव में हमारे कपड़े गीले मिलते हैं। आप इसके अलावा किसी के साथ संभोग का सपना आने पर भी हमारा वीर्य निकल जाता है। पेशाब, लेटरिन और वीर्य, ये तीनों तभी निकलते हैं जब हम भौतिक और मानसिक दोनों रूप से मौजूद हो। बात करते हैं सपने की। आप सपने में देखते हैं कि आप अपने कब्जों में पेशाब कर देते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आप अपना नियंत्रण खो सकते हैं जिसके कारण आपके प्यार भरे रिश्ते टूट सकते हैं। इस सपने के बाद आप किसी और का गुस्सा किसी और पर न निकाले। अब बात करते हैं सपने में कब्जों में वीर्य निकलना कैसा होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे सहवास से संबंधित सपने दिखाई देते हैं। सपने में वो खुद को सहवास करते हुए देखते हैं। सहवास के दौरान जैसे ही वीर्य निकलने की बारी आती है, उतने में आंखें खुल जाती है, क्योंकि सपना हमारा कल्पनात्मक होता है लेकिन वीर्य वास्तविकता में निकल जाता है। आप सपने में देखते हैं कि आपके कब्जों में आपका वीर्य निकल जाता है तो ये सपना हमारे लिए अशुभ संकेत देता है। ये सपना बताता है कि वर्तमान समय में आप अपने साथी के बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं। आप अपने साथी को जरूरत से ज्यादा खुश करना चाहते हैं जिससे आप डिप्रेशन में रहते हैं। तो दोस्तों, इस सपने के बाद आपको अपने साथी के यौनात्मक जीवन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में विचार है कि वो खुश नहीं है लेकिन वास्तविकता में वो खुश है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।